हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, सुबह का टाइम हो गया है, 8 बज गया। और दोस्तों 2-3 दिन से हम अपना नया ब्लॉग लेके नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा हमको नुकसान हो गया। मेरा कुछ बिजनेस का सामान था तो वो मेरा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ होकर कहीं और चला गया, तो इस सप्ताह जो है हमको बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा दुखी थे तो हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो दोस्तों देखिए, सुबह का अभी टाइम हो गया है और काम में तो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आज तो घर में कुछ है नहीं नाश्ता, तो बचा हुआ दोस्तों चूड़ा है, तो उसी से आज नाश्ता बनाएंगे और वही नाश्ता खा के आज हम जो है काम में जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोग का थोड़ा सा बचा हुआ चूड़ा है, ये देखिए। तो यही चूड़ा से जो है दोस्तों हम नाश्ता बनाएंगे। तो क्या नाश्ता बनाते हैं, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, और आप लोग भी जानिए और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। देखिए प्याज काट लिए हैं, और चूड़ा को देखिए पानी में फुला के और इसको जो है धो लिए हैं। अब कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस में, और इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। अब इसमें प्याज और मिर्चा डाल देते हैं कटा हुआ। अब इसको जो है चला लेते हैं थोड़ा देर, थोड़ा सा लाल होने देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हल्दी। प्याज देखिए फ्राई हो गया, अब इसमें समय हो गया चूड़ा को डालने का। तो दोस्तों नहा धो के देखिए फ्रेश हो गए हैं, मेरा देखिए नाश्ता भी बन के तैयार हो गया, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको खा के देखते हैं, खाने में भी टेस्टी है, नमक भी ठीक है। तो दोस्तों बचा हुआ घर में चूड़ा था मकर संक्रांति का, तो उसी से जो है नाश्ता बना लिए। घर में कुछ था नहीं नाश्ता, और
इस हफ्ता थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा बिजनेस का सामान भी तो घाटा चला गया, लगभग 35-40 हज़ार रुपये का। तो पैसा भी हाथ में नहीं था, तो इसीलिए घर का बचा हुआ चूड़ा से जो है नाश्ता बना लिए। आप लोग भी दोस्तों ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और दोस्तों आज का ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरा ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जोहार, जय हिंद।